हाउ टू इंस्टॉल फ्री PBX ऑन VM वर्चुअल बॉक्स। तो उसके लिए हमें एक ISO फाइल चाहिए होगी फ्री PBX की। प्रीरिक्विजिट्स जो हमें चाहिए वो है नीड फ्री PBX ISO फाइल। तो उसके लिए हम वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, गूगल सर्च इंजन ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें टाइप करना है फ्री PBX डाउनलोड। उसके बाद जो पहली वेबसाइट होगी आपको उसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नज़र आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है ISO फाइल, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2GB की फाइल ISO फाइल होती है, मैंने डाउनलोड कर रखी है। अब हम चलते हैं VM वर्चुअल बॉक्स पे, यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके यहाँ पे एक नाम दे रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो मैं नाम देता हूँ फ्री PBX। और आपको यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है, तो मैं टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ लिनक्स, और वर्जन आपको लेना है अदर लिनक्स 64 बिट, और सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको मेमोरी साइज सेलेक्ट करनी है अपने OS की, तो मैं यहाँ पे मेमोरी साइज देता हूँ 5000, जो कि बैठेगा लमसम अप्रोक्स 5GB के आसपास। और नेक्स्ट करते हैं, आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक करते हैं। हार्ड डिस्क डिफ़ॉल्ट रहने देता है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप हार्ड डिस्क टाइप फाइल टाइप आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। स्टोरेज आप डायनेमिकली अलोकेटेड पे रहने दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप अपना हार्ड डिस्क का साइज बढ़ा सकते हैं, आपका OS का हार्ड डिस्क उसका आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको 8GB डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी एक फ्री PBX मशीन क्रिएट हो गई है। अभी हम इसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है, तो हम सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे। यहाँ पे आप प्रोसेसर, एटलीस्ट 2 प्रोसेसर चाहिए होंगे इसके, तो 2 प्रोसेसर कर दीजिए। स्टोरेज में आपको एम्प्टी पैक क्लिक करना है, ऑप्टिकल ड्राइव में जाना है आपको। यहाँ से आपको चूज़ अ फाइल डिस्क फाइल करनी है, और जो आप जहाँ पे आपने डाउनलोड की थी ऐसे फाइल को पाथ देना है और सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप नेटवर्क में जाना है, यहाँ पे आपको अटैच टू ब्रिज नेटवर्क करना है और यहाँ पे अलाउ ऑल करना है और ओके कर देना है। अब सिंपली आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको चूज़ के लिए पूछेगा, तो आप यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए अपनी ISO फाइल और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है फ्री PBX 15 इंस्टॉलेशन एस्ट्रिक 16, तो हमें यही रिकमेंडेड पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। ग्राफिकली इंस्टॉलेशन आउटपुट टू VGA पे रख के हमको एंटर कर देना है। फिर PBX स्टैंडर्ड ये आ गया है, यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो ये स्टार्ट हो गया है, थोड़ा वेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने इंस्टॉलेशन समरी आ गई है। लोकलाइजेशन आपको टाइम एंड डेट चूज़ करना है, इस पर क्लिक कीजिए। आप इंडिया के मैप पे क्लिक कर दीजिए और डन कर दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा वेट कीजिए, तो इंस्टॉलेशन सोर्सेस और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन ऑटोमेटिकली इनेबल्ड हो जाएगा। KDAMP आप यहाँ पर इसको इनेबल से हटा दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे आ गया मेरा इंस्टॉलेशन मीडिया और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। अब आपको सिंपली बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक रूट पासवर्ड देना होगा, तो मैं एक रूट पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रूट पासवर्ड डाल सकते हैं। इसको हम डन कर देते हैं। अब थोड़ा वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन में, थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब हमको रिबूट करना है। रिबूट करने के बाद आपको सिंपली जो आपकी इंस्टॉलेशन मीडिया है उसको से हटाना है, तो आप जाइए ऑप्टिकल ड्राइव में रिमूव कर दीजिए और फोर्स अनवाउंड कर दीजिए। फिर थोड़ा वेट कर दीजिए बूट अप होने में। देखिए बूट अप हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 7 संगोमा लिनक्स 7 कोर आ गया, एंटर कीजिए। तो ये कोर वर्जन ओपन हो जाएगा हमारा। अब इसको हमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए हम डालेंगे एडमिन पासवर्ड होगा, जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था। सॉरी, लॉगिन से पहले हमें जो लॉगिन यूज़र है वो रूट होता है, पासवर्ड हमने जो क्रिएट किया था वो डाल देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वेलकम पेज आ गया है फ्री PBX का और ये इंस्टॉल हो गया। अब हम IP चेक कर लेते हैं, इफ कॉन्फिक्स है तो इसमें IPv6 आया है, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो हम डालते हैं IPv कॉन्फिक, इथरनेट का नाम, इथरनेट कार्ड का नाम, और हम जो IP एड्रेस डालना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे 192.168.0.252/24 नेट मास्क, और नेट पास होगा मेरा 255.255.0 और एंटर कर देंगे। तो IP मेरा कॉन्फ़िगर हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं IP कॉन्फ़िग से। तो दोस्तों देखिए IP मेरा आ गया है 192.168.0.252। अब अपने गेटवे से पिंग कर लेते हैं, टाइप करते हैं पिंग स्पेस 192.168.0.1, तो मेरा गेटवे से पिंग आ गया है।
अब सिंपली मैं अपने मेन मशीन से एक बार इसको पिंग कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 192.168.0.252 जो कि मेरा 3 PBX का IP है। तो दोस्तों देखिए मेरा पिंग आने लग गया है। अब हम इसको वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे 3 PBX की IP डालेंगे। वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट जीरो डॉट टू फाइव टू और ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। इनिशियल सेटअप आ गया है यहाँ पे, तो मैं पासवर्ड अपने यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो यूज़र का नाम देते हैं एडमिन और पासवर्ड मैं अपने अकॉर्डिंगली कोई भी दे देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल एड्रेस देना होगा नोटिफिकेशन के लिए, तो अभी मैं ऐसी कोई भी ईमेल एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पर डाल देता हूँ यहाँ पर और सिंपली सेटअप सिस्टम सेटअप पर क्लिक करता हूँ। अब फ्री EPX एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र कंट्रोल पैनल ऑपरेटर पैनल, तो अभी हम फ्री EPX का एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड और जो यूज़र हमने क्रिएट किया था वो डालते हैं एडमिन, पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेट करनी है, टाइम जोन सेट करना है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए सिंपली। यहाँ पे आ गया है संगोमा स्मार्ट फायरवॉल, तो ये इसका फायरवॉल होता है, खुद का फायरवॉल होता है, इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। संगोमा स्मार्ट फायरवॉल इज़ ए रेवोल्यूशनरी ओपन सोर्स फायरवॉल सॉल्यूशन डिजाइन फ्रॉम द ग्राउंड अप टू कम्प्लीटली। इट इज़ हाई रिकमेंडेड दैट द क्लाइंट यू आर करंटली यूजिंग इतना समथिंग शुड बी मार्क्ड एज ट्रस्टेड, तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। द नेटवर्क यू करंटली यूजिंग दिस, इसको भी आपको येस पे डालना है, सिंपल येस पे क्लिक कीजिए। इनेबलिंग रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल फायरवॉल अलाउ रिमोट, तो यहाँ पे येस पे क्लिक कर दीजिए। फायरवॉल शुड नाउ डिटेक्ट एंड कॉन्फिगर एक्सटर्नल IP, तो उसको भी आप येस कर दीजिए। रिटायर पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों देखिए वेलकम टू फ्री PBX, तो ये मेरे फ्री PBX के डैशबोर्ड पे हम आ गए हैं। यहाँ पे एस्ट्रिक है, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन है, MySQL है, फेल टू बैन है, सिस्टम रजिस्ट्रेशन है, वेब सर्वर है, सिस्टम फायरवॉल है, तो सारी डिटेल्स मेरे सामने आ गई हैं। अब सिंपली हम अप्लाई कॉन्फ़िग पे क्लिक कर देंगे, तो हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। तो मेरा फ्री PBX कॉन्फ़िगर्ड और इंस्टॉल हो गया है प्रॉपरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।